अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ काशिम नवीद, काशिम अकेडमी डॉट कॉम की जानिब से। और आज की इस शॉर्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि हम लोग अपने जो वीडियो के साइज़ हैं उसे किस तरीके से कंप्रेस कर सकते हैं, यानी उसके वीडियो को किस तरीके से कन्वर्ट करके कम एमबी में ला सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सॉफ्टवेयर को आप इंटरनेट से आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका नाम है हैंड ब्रेक। आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लें। ये देखिए, ओपन सोर्स वीडियो ट्रांसकोडर, सही है। यहाँ से इस सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं ज़रा आपको बता दूँ इस तरीके से, ये रहा, यहाँ से आप इस सॉफ्टवेयर को आराम से डाउनलोड कर लें। और उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद इसकी जो सेटिंग है वो मैं आपको बता दूँ कि ये किस तरीके से काम करता है। ये देखिए, ये रहा ये सॉफ्टवेयर, मेरे पास ही डाउनलोड पहले से पड़ा हुआ है, सही है। तो आपने इसे किस तरीके से यूज़ करना मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से डेस्कटॉप शॉप करवा दूँ। अच्छा जी, अगर मैं यहाँ से कोई वीडियो उठाऊँ, अच्छा ये अब 10.8 MB की वीडियो है, सही है, यानी 10.8 MB की वीडियोज़ हैं। अब इसे मैं यहाँ से उठाकर अब उसे आप ये टॉप से और बॉटम वगैरह ये सब कुछ कम भी कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आप पर, अगर आप जितना करना चाहते हैं, सही है। उसके बाद आप वीडियो में आ जाएंगे और यहाँ से आप इसकी जो वो है लेंथ वगैरह क्वालिटी उसे आप कम कर सकते हैं। ये ऑडियो हैं, आप यहाँ से कोई ऑडियो पुट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। सब टाइटल्स भी हैं और चैप्टर्स वगैरह भी इसमें मौजूद हैं, यानी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इसमें भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसे जस्ट ब्राउज करके डेस्कटॉप में मैं इसे सेव करता हूँ काशिफ नवीद के नाम से, सही है। और उसके बाद मैं जस्ट स्टार्ट पर क्लिक करूँगा। तो लीजिए, ये काम करने लग गया है यहाँ से। असल में जो ये वीडियो मैंने जो अभी कन्वर्ट की, ये मैंने पहले से कन्वर्ट की हुई थी, इसलिए ये 10 MB में आई थी, वरना ये वीडियो वैसे 144 MB 145 MB की थी। तो आप इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा MB की वीडियो को 10-10 MB पर भी ला सकते हैं। ये मैंने सिर्फ सैंपल के तौर पर आपको दिखा रहा हूँ कि आप किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर है और तकरीबन जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो इसी सॉफ्टवेयर यानी इसी कन्वर्टर को यूज़ करके काम करते हैं। अच्छा जी, तो अब हमारी वीडियो तकरीबन, हाँ ये देखिए हमारी वीडियो तैयार हो गई है। ये रही काशिफ नवीद के नाम से, अब मैं आपको इसका साइज़ दिखाता हूँ। ये रहा 10.8 MB, सही है, ये मैंने कन्वर्ट की वीडियो, और अब मैं इसका साइज़ चेक कर लेता हूँ। ये 10.2 MB पर आ गया, क्योंकि ये तकरीबन हम लोगों ने थोड़ी सी वो की थी, लेकिन गूगल में सॉफ्टवेयर को फिर भी ये गई होगी। और उसके बाद आप यानी अगर आप वीडियो की क्वालिटी को चेक करें तो वो तकरीबन उतनी ही है जितनी कि ये किचन पर हो, कोई भी माइक्रोफोन आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से ज़्यादा MB को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी ये जो वीडियोज़ थी ये अभी 10.8 पे आई हैं, वरना ये वीडियो जो थी पहले में ये 144 MB की वीडियोज़ थी। तो ये मैंने सिंपली आपको सिर्फ एक सैम्पल दिखाया है कि किस तरीके से आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये वीडियो इतनी कम MB की नहीं होती जितनी इस वक्त ये शो करवा रहे हैं, सही है। तो ये वीडियो क्योंकि मैंने इसी में पहले से कन्वर्ट की हुई थी इसी सॉफ्टवेयर में, क्योंकि ये मैंने इससे पिछले अपने चैनल में अपलोड की थी। तो ये सॉफ्टवेयर बहुत ही बेस्ट सॉफ्टवेयर है और मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब खासतौर पर जो यूज़ करते हैं उनके लिए मैं यही सॉफ्टवेयर रिकमेंड करूँगा कि वो इसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये जो शॉर्ट सी वीडियो है ये आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई हैं तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें चैनल को
और हमारे वीडियोस को लाइक करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए के साथ हाजिर होंगे। तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।